चलो स्टूडेंट, हमने इसी वीडियो के पहले जो एक वीडियो लिया था उस वीडियो में हमने देखा था कि ये कंपनी की जो वर्किंग थे उसको हमने प्रिपेयर किया था। आज हम यही कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, तो इसका वीडियो, इसका जो पहला पार्ट है वो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, उसको देखिए, फिर आप ये बैलेंस शीट को अच्छे से समझे कि हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी ऑफ क्यू लिमिटेड, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। तो इस केस में हमने बैलेंस शीट को डिवाइड कर दी। तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी टू कंपनी की, तो दोनों भी कंपनी की बैलेंस शीट को आपको कंपेयर करना है और जो पार्ट आपके ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता वो वहां पर लिखना है। तो फिक्स असेट्स करंट असेट्स में ज्यादा बदलाव नहीं होता, जैसे कि वैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा बदलाव जब होता है जब वो कंपनी इंटरडेप्ट ओविंग करते हैं तो उसको कैसे, उसका कैलकुलेशन यही एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले असेट साइड को हम देखते हैं तो गुडविल यहाँ पर गिवन है पी लिमिटेड की 2 लाख और क्यू लिमिटेड की 50,000। तो यहाँ पर हम गुडविल लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे असेट्स में फिक्स असेट्स, असेट्स में हम पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, फिक्स असेट्स का, उसमें क्या आएंगी गुडविल, उसमें लिखेंगे हम गुडविल को। गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पी लिमिटेड के पास है 2 लाख, पी लिमिटेड के पास का जो पोर्शन है वो कितना है 2 लाख का, और क्यू लिमिटेड के पास जो पोर्शन है कितना है 65,000, कितना है 65,000। आप कहेंगे सर ये बैलेंस शीट में तो 50,000 ही दिखा रहा है। सही है, बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है 50,000, बट हमने क्यू लिमिटेड के पास के कुछ गुडविल भी कैलकुलेट किया था, इसकी वर्किंग हमने पहले कर दी थी। तो हमारे पास जो गुडविल आया था वो किस कंपनी का है, क्यू लिमिटेड का है, तो किसमें ऐड हो जाएगा, क्यू लिमिटेड के गुडविल में ऐड हो जाएगा। तो पुराना था 50,000, बैलेंस शीट में गिवन है 50,000 प्लस आप ऐड करेंगे 15,000 तो टोटल बन जाएगा 65,000। तो गुडविल का जो कैलकुलेशन है हमारे बैलेंस शीट में शो होगा 2,65,000, इतना शो होगा 2,65,000। देन उसके बाद हमारे पास गुडविल के बाद सेकंड है असेट्स, हमारे गिवन है प्लांट, सेकंड असेट्स हमारे पास गिवन है प्लांट, जिसकी पी लिमिटेड की वैल्यू हमारे पास है, प्लांट में गिवन है पी लिमिटेड की वैल्यू है टोटल 5 लाख, पी लिमिटेड की वैल्यू कितनी है टोटल 5 लाख, और क्यू लिमिटेड की वैल्यू जो गिवन है वो टोटल है 2 लाख। तो हमारे पास दोनों कंपनी की टोटल यहाँ पे निकल के आएंगी 7 लाख, टोटल जो निकल के आ जाएंगे, सॉरी 2,50,000, मतलब यहाँ पर कितनी मिलेंगे 2 लाख, 7,50,000। देन उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को देखते हैं तो पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, तो पी लिमिटेड की बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख, और सेकंड मतलब क्यू लिमिटेड की बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, तो टोटल हमारे पास बिल्डिंग कितनी बन जाएंगी 3 लाख, टोटल जो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आएंगी वो कितनी निकल के आएगी 3 लाख। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हमने इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन वर्किंग में कर लिया, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर नहीं लिखे। देन उसके बाद गिवन है लोन एंड एडवांसेस, गिवन है हमारे लोन एंड एडवांसेस, उसके बाद स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक, ये सभी के सभी हमारे क्या बनेंगी करंट असेट्स। पहला जो हेड था हमारा कुलता था फिक्स असेट, दूसरा जो हेड है हमारा क्या बनेगा करंट असेट। तो करंट असेट में सबसे पहले लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस में गिवन है 60,000, ओनली क्यू लिमिटेड की है यहाँ पर, इतना है 60,000, तो यहाँ पे हमने 60,000 लिख लिए। उसके बाद हमारे पास गिवन है स्टॉक, हमारे पास गिवन है स्टॉक, स्टॉक में एडजस्टमेंट गिवन है कि नहीं, डेटर्स और बिल्स पेएबल में, स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन हम करेंगे, स्टॉक में पी का जो स्टॉक है वो है हमारे पास 1,20,000, और क्यू लिमिटेड का जो स्टॉक है, क्यू लिमिटेड का जो स्टॉक है वो है हमारे पास 90,000, दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,10,000, कितना बन जाएगा
210,000। देन उसके बाद हमारे पास गिवन है डेटर्स, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है डेटर्स। अभी डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड ₹50,000 ड्यू टू क्यू लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि सन्ड्री क्रेडिटर किसके किसके पी लिमिटेड के उसमें क्या गिवन है, जो डेटर्स की वैल्यू है मतलब क्यू लिमिटेड को दिए थे, एक के क्रेडिटर दूसरे कंपनी के पास क्या बनेंगे डेटर्स। तो इस केस में जो भी गिवन है उसको क्या करेंगे हम यहां पर लेस करेंगे। तो सबसे पहले पी लिमिटेड, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड का जो डेटर्स का वैल्यू है वो कितना है 150,000। दूसरे बात उसके बाद क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड का जो डेटर्स का वैल्यू है कितना है 1,00,000। टोटल कितने बन गई है 250,000। टोटल कितने बन गए 250,000। इनर कॉलम में ही लिखना है, क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे, तो अभी ये जो दो कंपनी है एक घर की हो गई, पहले अलग अलग थे इसलिए हमने अलग अलग लिखा था। अभी घर के किसी सदस्य ने दूसरे सदस्य को अगर पैसे दिए गए और घर की जब बैलेंस शीट बनेगी तो वो वहां पर लिखेंगे क्या नहीं, तो हम उसके क्रेडिटर में से भी लेस करेंगे और इसके डेटर में से भी लेस करेंगे। तो यहाँ डेटर से क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे, किस नाम से इंटर डेप्ट, इंटर डेप्ट ओमिंग्स, इंटर डेप्ट ओमिंग के नाम से कितना, तो यहां पर है 50,000। कितना है 50,000। रेमेनिंग कितने बचे, कितने बचे हमारे पास 2,00,000। तो इसको ये क्या है ड्यू फ्रॉम किसने दिए थे, ड्यू फ्रॉम क्यू लिमिटेड, ड्यू फ्रॉम क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड ने गिवन दिए थे कितने 50,000। तो इसको आपको क्या कर दिया हमने उसको लेस कर दिया। देन डेटर्स के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो है बिल्स रिसीवेबल की, जो वैल्यू निकल के आते यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे, यहाँ पर लिख रहे इस साइड क्या है, तो सबसे पहले जो वैल्यू है डेटर्स के बाद किसकी है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के केस में भी सेम हाल है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे पी लिमिटेड, पी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास टोटल वैल्यू 1,00,000, टोटल कितना है 1,00,000। उसके बाद क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड की भी टोटल वैल्यू है हमारे पास 50,000, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1,50,000, टोटल कितना हो गया 1,50,000। उसमें भी एडजस्टमेंट गिवन है इसीलिए हमने इनर कॉलम में लिख लिया। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि बिल्स पेएबल ऑफ क्यू लिमिटेड, बिल्स पेएबल जो क्यू लिमिटेड के पास थे गिवन था इंक्लूडेड ₹30,000 ड्यू टू पी लिमिटेड, उसमें से पी लिमिटेड ने जो बिल दिए थे उसमें क्या है इंक्लूड है। अगर वैसे कुछ ट्रांजेक्शन होते अब ये दो कंपनी तो एक बन रही, तो इस केस में क्या हो जाएंगे यहां से लेस करेंगे हम इंटर डेप्ट ओवी, इंटर डेप्ट ओवी टोटल कितने 50,000, टोटल है 50,000। 50,000 अगर लेस होते तो यहाँ पर पहले 30,000 टोटल है 30,000, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 1,20,000। इतनी वैल्यू निकल के आएंगे 1,20,000। लास्ट में हमें गिवन है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हम देखेंगे तो पी लिमिटेड का हमारे पास है, पी लिमिटेड का टोटल बैंक बैलेंस है पी लिमिटेड का 1,70,000। देन क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड का जो बैंक बैलेंस है कितना है 50,000, तो टोटल कितना बन जाएगा ये 2,20,000। ये हो गया हमारा इसका बैलेंस, इसका बैंक अकाउंट का बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारी असेट साइड पूरी की पूरी हमने ड्रॉ कर ली। तो असेट साइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, दो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर लिखे, एक डेटर्स, बाकी तो सब समझ में आ गया होगा, एक डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स में भी हमने क्या कर दिया 50,000 लेस कर दिए, डेटर्स में किया इसका मतलब क्रेडिटर्स में भी करने वाले,
और बिल्स रिसीवेबल में क्या, इसका मतलब बिल्स पेबल में से भी करने वाले है। मतलब अभी हमें क्या करना है, अगर ये दोनों के दोनों सेटअप करना है तो सेटअप करने के लिए हमें दोनों भी मतलब असेट्स और लायबिलिटी से दोनों से वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हमने डेटर्स और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल वाला पार्ट तो हमने देख लिया, उसके बाद हमें क्रेडिटर और बिल्स रिसीवेबल का भी पार्ट, बिल्स पेबल का भी पार्ट वैसे करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पर किया। ओके, तो उसके बाद हम लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी साइड में पहले गिवन है क्या, शेयर कैपिटल। पहले क्या गिवन है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशू एंड पेड अप कैपिटल। इसका रहेगा पी कंपनी का ही रहेगा, टोटल कितना है 8 लाख। इसका रहेगा पी कंपनी का, क्यू कंपनी का आएगा क्या, नहीं, क्योंकि क्यू कंपनी में हमने असेट साइड में से इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ कर लिया, मतलब एलिमिनेट कर लिया, और यहाँ से शेयर कैपिटल को भी एलिमिनेट कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ किसके शेयर बचेंगे, पी के शेयर बचेंगे, क्योंकि आएंगे नहीं। उसके बाद हमारे पास गिवन है रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन। इसमें आएगा पहले कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना है, सिर्फ पी लिमिटेड का ही आएगा, एच या क्यू लिमिटेड का नहीं आएगा, क्योंकि उसमें उसको हमने वर्किंग में पहले ही कर दिया था जो भी कैलकुलेशन करना है। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये भी हमने उसका भी कैलकुलेशन कर लिया, कितना है 1,40,000, ये दो बन गए हमारे रिजर्व। उसके बाद आएगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेट प्रॉफिट। तो कितना निकाला था हमने, यहाँ पर आया था 3,27,500, और उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कुछ पोर्शन आया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी हमारी लायबिलिटी बनी गई। इसका जो पोर्शन आया था 1,37,500, ये दोनों भी हमने वर्किंग में कैलकुलेट करके देखे, ये स्टेप नंबर 6 में आई और ये स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया, इसके पहले का जो वीडियो है वो वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया। ये बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। देन उसके बाद आएंगे लोन्स, उसके बाद आएंगे लोन्स। लोन्स में पहले पी लिमिटेड का, फिर क्यू लिमिटेड का। तो पी लिमिटेड का जो लोन है वो कितना है, 2 लाख, और क्यू लिमिटेड का है 1 लाख। ये दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा बन जाएगा 3 लाख। देख उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में गिवन है, करंट लायबिलिटी में सबसे पहले गिवन है करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, दोनों भी चीजें। तो पहले हम क्रेडिटर को यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिटर पहले, तो दोनों की टोटल मतलब पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड का कितना था, 1,50,000, उसके बाद क्यू लिमिटेड का कितना है, 60,000, टोटल कितने बन गए, 2,10,000। अभी मुझे ये बताओ, ये क्रेडिटर, एक क्रेडिटर होगा, दूसरा क्या था, डेटर्स था। डेटर्स में से हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, लेस कर दिया। वैसे ही आपको अगर असेट साइड आप कम करते हैं तो दूसरी चीज आपको लायबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी या असेट्स को बढ़ानी पड़ेगी। तो असेट्स को बढ़ा नहीं सकते तो लायबिलिटी को भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ पर भी बोलेंगे इंटर डेप वो, इंटर डेप वो मीन कितना है,
तो जो भी वैल्यू निकल के आता है डेटर्स में से कितना है 50,000, तो यहाँ से भी कितना लेस होगा 50,000 और बची वैल्यू कितनी रहेगी 1,60,000, कितनी वैल्यू बचेगी 1,60,000, ये हो गई हमारी। तो यहां से लेस किया इसलिए यहां से भी हम क्या कर देंगे, दोनों में से लेस कर देंगे। एक ने अपने, दोनों भी एक ही घर के सदस्य है, एक ने अपने डेटर्स में दिखाया, एक ने अपने क्रेडिटर में दिखाया, तो उसने डेटर्स में से तो लेस कर दिया, तो इसको भी अपने क्रेडिटर में से क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से भी लेस हो गया और लायबिलिटी साइड में के क्रेडिटर में से भी लेस हो गया, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो कौन सा रहता है, आउटवर्ड, मतलब अपोजिट वाला रिलेशन रहता है इसका और इसका, मतलब इसने बेचा तो ये बढ़ेगा और इसने बेचा तभी ये कम हो गया, तो उसके वजह से ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं लास्ट बिल्स पेबल का कैलकुलेशन करेंगे। तो बिल्स पेबल में पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड का है टोटल 1,00,000 और क्यू लिमिटेड का है टोटल 40,000, टोटल कितने 40,000, इन दोनों की टोटल करेंगे तो हमारे पास आते 1,40,000, कितने आते 1,40,000। अभी मुझे ये बताओ कि एक के बिल्स रिसीव पेबल में से क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया कि बोला ये बिल्स पेबल में ऐड है, इसका मतलब किसने निकाला होगा, दूसरे पार्टी ने ड्यू किया होगा तभी इसके रिसीव किया, इसके अकाउंट में से हमने क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, तो यहां से भी एलिमिनेट हो जाएगा किस नाम से, इंटर डेप्ट ओवी कितना 30,000, तो कितना बन जाएगा 1,10,000, कितना रिमेनिंग बचेगा 1,10,000। और उसके बाद हम दोनों साइड की टोटल कर देंगे और हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर हम यहाँ की टोटल करते हैं तो टोटल आती 21,25,000, यहाँ पर भी टोटल बनेगी 21,25,000, तो ये हमारी टोटल आ गई और यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता, एंड हो जाता। तो इसी तरीके से आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये जो पार्ट हमने देखा था दो पार्ट में डिवाइड किया, एक में नहीं हो गया, इसलिए हमने पहले इसमें पूरे के पूरे वर्किंग लिख लिए और ये पार्ट में हमने टोटली बैलेंस शीट को डिस्कस कर लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको दोनों भी वीडियो, पहले तो वो देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझेगा, नहीं तो आपको बोलेंगे सर ने ये क्या कैसे पढ़ा दिया। तो आपको दोनों भी देखना है, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए ताकि दोनों भी क्लब हो जाएंगे। ओके।